बांदा में बुंदेलखंड के किसान यूनियन ने रेलवे ट्रक जाम करके सरकार विरोधी नारे लगाए। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल देने की घटना से आक्रोशित किसान यूनियन ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद का है। आज सुबह से ही किसान यूनियन के प्रदर्शन की हलचल मची रही। प्रशासन पूरी ताकत के साथ किसान नेताओं को नजरबंद करने आए हुए थे। वहीं मौका पाते ही किसान यूनियन सड़कों पर प्रदर्शन करने निकल पड़े और बांदा रेलवे ट्रैक पर पहुंच कर रेलवे पटरी पर बैठकर जाम लगा दिया और किसानों को न्याय दो के नारे लगाते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। वहीं भारी पुलिस बल पहुंचा गया और समझा बुझा कर किसान यूनियन के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को खत्म कराया व उनकी मांगे आगे पहुंचाने का आश्वासन दिया। यूनियन अध्यक्ष बिमल शर्मा ने बताया कि हमारी मांग अगर सरकार नहीं मानती तो आगे भी आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह के प्रदर्शन में आप लोग जो किसानों की हत्या हुई है लखीमपुर में, उसके विरोध में आज हम लोग पूरे देश में रेल चक्का जाम है। बांदा में भी हम लोगों ने बुंदेलखंड किसान यूनियन ने रेलवे पटरी पर बैठ के प्रदर्शन किया और हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए किसानों के हत्यारों को, वरना यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जैसा भी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन होगा, हम लोग पूरे साथ में बुंदेलखंड के किसान उस आंदोलन में बराबर भागीदार रहेंगे। आह्वान पर आज पूरे जनपद में भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट और बुंदेलखंड किसान यूनियन के द्वारा रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया गया था। पूरे जगह पुलिस और प्रशासन की पूरी चुस्त मुस्तैद व्यवस्था रही और इन लोगों का रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से विफल रहा और पूरा शांतिपूर्ण का है। किसी प्रकार की न तो रेल रोकी गई और न ही कोई अप्रिय घटना हुई। R9 भारत के लिए विनेश कुमार की रिपोर्ट बांदा से। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील अंतर्गत ग्राम पड़री का है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चकबंदी के दौरान खलिहान हेतु जमीन सुरक्षित की गई, जिस पर वर्तमान प्रधान हिमांचल यादव पुत्र राम सजीवन खलिहान की भूमि में करीब 1 बीघे पर कब्जा करके निर्माण कार्य करवाना चाहता है और निर्माण हेतु खलिहान में ईटा गिट्टी बालू डाले हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 2 बिस्वा जमीन पर कच्ची और पक्की कॉलोनी बनवा चुका है और खलिहान से लगी चक्रोड में मिट्टी डालकर बबूल के पेड़ लगाकर रास्ता बाधित कर चुका है। ग्रामीणों ने प्रधान द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य के संबंध में तहसील दिवस में शिकायती पत्र दिया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए मांग की है कि उक्त खलिहान की जमीन को सुरक्षित रखने हेतु जांच कराकर खलिहान की जमीन सुरक्षित रखी जाए ताकि कृषकों को अपनी फसल रखने के लिए स्थायी जगह बनी रहे। इस मौके पर रामलाल कमलिया, पूर्व प्रधान राजेश, करण सिंह, नंदन, रामकरण, पप्पू सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपका भैया शिव गुलाम वर्मा, कहाँ से? पंचायत सदस्य है। कहाँ से आए आप लोग? हम पड़री से आए। समस्या क्या ले क्या लेकर आए? ये है कि वहाँ जो जमीन पड़ी हुई है खरियान की, वहाँ जबरदस्ती हिमांचल प्रसाद यादव जो है प्रधान, तो जबरदस्ती वहाँ शौचालय बनवा रहा है। हम जो सदस्य हैं तो हमको वहाँ नहीं कह रहे कि वहाँ कई किसी जगह बता रहे हैं कि वहाँ पर बनवाइए, वो अपने पास ही बनवा रहा है। तो जो खलिहान की जगह है, भू गड्ढे की जगह है, तो अपने लिए ही बनवा रहा है, वो अपने पास में है। अच्छा। हम वहाँ से रोक रहे हैं, हम सदस्य हैं। तो यानी खलिहान में बनवा रहा है तो इससे क्या नुकसान होगा वहाँ पर? नुकसान बहुत ज़्यादा है हमारा वहाँ के। तो किसानों को किस प्रकार से समस्या होगी? समस्या यह है कि निकलने के लिए समस्या होगी, पानी भी जाएगा नहीं, और खलिहान डालने में कहाँ डालेंगे खलिहान, भू गड्ढा कहाँ डालेंगे हैं। बस इसी तरह से वो जो नया प्रधान हिमाचल प्रसाद यादव कर रहा है, तो चोर भी है साला। अच्छा, आप लोग वहाँ के उच्च अधिकारियों से बताया था बबेरू में? जी बताया है। क्या कुछ तो अधिकारियों से बताया, अधिकारियों ने पैसा ले करके उसी की उसमें बोल रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, अभी आप लोग DM साहब के पास में आए थे? जी आए हैं। क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया? यहाँ अप्लीकेशन दिया है, जो होगा तो अगले उस महीने अपन बैठक करेंगे या आप कुछ भी कार्रवाई और करेंगे, टेंशन करेंगे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते हैं कि हमारा वहाँ खलिहान की जगह में शौचालय ना बने और दूसरी जगह बन जाए। हम बताएंगे कि यहाँ पर बनना, वहाँ पर जमीन पड़ी हुई है, बहुत सी जमीन पड़ी हुई है बनवाने के लिए, और उसके मकान के पास है जहाँ बनवा रहा है वो। बांदा से R9 भारत के लिए शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट।